नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। एकलव्य विद्यालय में 38,000 बम्पर भर्ती आपकी आ रही है, तो जो लोग एलिजिबल हैं वो एकदम तैयार हो जाएं, अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। जो टीचिंग के लिए, नॉन टीचिंग के लिए, जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे थे वो अपनी तैयारी जारी रखें। और यहीं पर जो एक तरह से बोला जाए परीक्षा प्लस टीम आपकी तैयारी के सहयोग के लिए जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल बैच लेकर आई है, जिसमें आपको पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री जो आपका एग्जाम का पैटर्न है पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया है कि एग्जाम का टीजीटी और पीजीटी का क्या पैटर्न है। 160 और एक में 180 क्वेश्चन आएगा, एक में आपका सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन, एक में आपका सब्जेक्ट का 80 प्रश्न आएगा। बाकी आपके जो 80 प्रश्न होंगे दोनों में वो आपके क्या होंगे, अलग होंगे, पार्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जिसमें मैं बता रहा हूं इसमें आपको इंग्लिश, हिंदी, जीएस, कंप्यूटर और सीडीपी के पार्ट पूछे जाएंगे। तो इसका एक स्पेशल बैच लेकर आइए, इसे आप परीक्षा प्लस ऐप से इनरोल कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करिए, वहीं पे आपको ईएमआरएस का एक बैच दिखेगा जो आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पार्ट के लिए जरूरी है, जो आपका एक तरह से सब्जेक्ट के अलावा जो आपका पूछा जाएगा उसकी तैयारी हम एकदम जबरदस्त तरीके से आपकी कराएंगे। अब मैक्सिमम बच्चों का प्रश्न ये था, मैंने वो वीडियो बनाया था टीजीटी और पीजीटी में, कि सर क्या मेरे पास डीएलएड है, मैं अप्लाई कर सकता हूं। जैसे आप लोगों का कहना यह था, देखिए ये आपका बैच है, इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है। 75% ऑफ चल रहा है, 499 प्लस जीएसटी पे है। अभी ऑफर चल रहा है, लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सेक्शन मिलेगा आपको, डाउट सेशन, और इसका जो वैलिडिटी होगा आपके एग्जाम तक वैलिड रहेगा ये एग्जाम। बाकी डिटेल के लिए आप नंबर पे कॉल कर लें 9450006007 और 9129970780 पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जो कह रहे हैं कि सर इसमें हम बात करें कि जो आप डीएलएड किए हुए हैं, जो डीएलएड वाले बंदे हैं ग्रेजुएशन के साथ, क्या वो एलिजिबल होंगे। तो यहां ध्यान रखिए कि जो ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड है वो टीजीटी और पीजीटी में एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर आपने पीजी किया है और डीएलएड किया है तो डीएलएड वाले एलिजिबल नहीं है, ये साफ साफ सुन लो, आप एलिजिबल नहीं हो, ये ध्यान रखिए। डीएलएड हो गया, बीटीसी जिसको कहते हैं, ये बंदा एलिजिबल नहीं होंगे टीजीटी पीजीटी में, ये कहीं एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये प्रश्न तो आपका एकदम बेकार है कि आप पूछ रहे हो। डीएलएड जानते ही हो किसी प्राइमरी के लिए एलिजिबल होता है, और प्राइमरी की वैकेंसी अभी इस एकलव्य विद्यालय में नहीं आई है। कुछ और भी आपको जरूरी चीजें बतानी है, मैं बताऊंगा आपको। और बता दें कि इसमें क्या, अगर मैं पुराना बात करूं, अभी जो रिक्रूटमेंट रूल आया है इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि वही के स्टेट के बच्चे भर सकते हैं जहां पर विद्यालय होगा, मतलब आप अपने स्टेट से ही भर सकते हो जहां आपका डोमिसाइल है, किसी और स्टेट में आप नहीं, आपकी नियुक्ति नहीं हो सकती है, ऐसा कहां लिखा गया है। ये जब पिछली बार आपका वैकेंसी आया था किस में, जो नहीं कराया गया कोरोना के कारण, उसका मैं नोटिफिकेशन आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी जो रिक्रूटमेंट रूल आया है इसमें अभी आपका कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो उसका हम वेट करेंगे नोटिफिकेशन तक, कि जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। तो एक बार बच्चों मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूं कि जो पुराना नोटिफिकेशन था आपका, ठीक है, हाँ ये आपका नोटिफिकेशन है, और इसी में मैं बता दूं, पहले आपको पॉइंट पढ़ा दे रहा हूं कि जो आपका जरूरी है, जैसे ईएमआरएस टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ईटीएसएससी 2021 की बात है, ये एनटीए के द्वारा आपका दिया गया है नोटिफिकेशन, आपको क्लियर हो रहा होगा ये पॉइंट। हाँ, यहां साफ साफ यहां पर दिखा बोला गया है कि द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द कंसीडर फॉर द रिक्रूटमेंट, ठीक है, क्या है, द रिक्रूटमेंट फॉर द टीचिंग स्टाफ, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी। उस समय नॉन टीचिंग का आया नहीं था पोस्ट, ये भी ध्यान रखिएगा, नॉन टीचिंग का पोस्ट नहीं आया था, तो जो टीचिंग का आया था, तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी में ईएमआरएस सेल बी अ स्टेट स्पेसिफाई, मतलब ये एक स्टेट स्पेसिफाई है, दैट इज एज पर द स्टेट वेयर द स्कूल आर लोकेटेड, जहां पर आपका स्कूल लोकेटेड होगा, इन अकॉर्डेंस विद द रिक्रूटमेंट रूल नोटिफाइड बाई एनईएसटीएस एमओटीए, द ओनली एलिजिबल कैंडिडेट Having a domicile certificate of the state can apply.
मतलब आप जिस स्टेट से हो अगर वो आपके पास है उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब आप यहां यूपी के रह के मध्य प्रदेश में नहीं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, आप झारखंड में नहीं अप्लाई कर सकते हो, यूपी के हो तो यूपी के ही थ्रू हो सकता है। और साफ साफ एक चीज और यहां पर लिखी गई है, ये ध्यान रखिएगा क्या बोला गया है यहां पर, कि आपका एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज कंडक्ट नेशनल लेवल ईएमआरएस टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम, यही कंडक्ट कराएगी, ठीक है। उसके बाद से आपका बोला गया है द फॉलोइंग द रिजर्वेशन रोस्टर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट यूटी एनटीए विल बी प्रोवाइड स्टेट वाइज पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट, मतलब आपका स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट आएगा, स्टेट वाइज में भी आपका कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट आपका बनेगा, तो स्टेट वाइज पोस्ट वाइज आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका पिछला था, अभी अगर नया कोई चेंजेस इसमें होता है कि नहीं होता है, जो रिक्रूटमेंट रूल दिया उसमें सिर्फ पोस्ट के बारे में बताया है, एलिजिबिलिटी के बारे में बताया, इस पर कुछ भी डिस्कशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये हम पुराना जो एप्लीकेशन था ये मैं दिखा दूं, आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा तो ये भाई देख लो, ऐसा नहीं है कि पूरा हम रिसर्च करके आते हैं, ये पूरा का पूरा उस समय का देखिए, ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंटियल स्कूल का है, ये ब्राउजर जो एनटीए अपना एग्जाम कराती है एक ब्राउजर देती है, तो उसी से रिलेटेड ये आपका है। और उस समय जब फॉर्म निकला था, ये फॉर्म उस समय कब निकला था देख लो, 1/4/2021 को और 30/4/2021 तक था, 1/5 को ये क्या है बंद होने वाला था, हाँ लास्ट डेट था। उसके बाद इसकी फॉर्म का फीस आप लोग पूछ रहे थे, तो फीस प्रिंसिपल और इसके लिए जो ऑलमोस्ट उस समय था 2000 था और टीजीटी पीजीटी के लिए 1500 रुपया था, ठीक है। यहां पर आपको एग्जामिनेशन का शिफ्ट सब पहले से डिसाइड कर दिया गया था, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। यहीं से मैंने आपको टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम पैटर्न आपको बताया था कि क्या होता है एग्जाम पैटर्न, वो वीडियो मैंने डाला है टीजीटी और पीजीटी, उसको आप लोग वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लगी हुई है। हाँ, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से बच्चे किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, किनके पास क्या अर्हता है। सब लोग पूछ रहे हैं सर वार्डन के लिए कौन एलिजिबल है, टीजीटी पीजीटी के लिए मैंने डीएलएड वालों को बता दिया, डीएलएड वाले एलिजिबल नहीं है। यहां पर यह देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं, ये आपका एज लिखा हुआ है, देखिए 40 साल वाले पीजीटी तक भर सकते हैं, 40 साल मैक्सिमम एज है, ये मैक्सिमम एज लिमिट है आपका 40 साल, ठीक है। 40 साल के अंदर वाले लोग पीजीटी भर सकते हैं, पीजी में उनका सब्जेक्ट में पीजी होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, ये ध्यान रखिए, बीएड पीजीटी में भी जरूरी है, ठीक, कुछ सब्जेक्ट को छोड़ के कंप्यूटर साइंस वाला छोड़ के, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से अगर टीजीटी की बात करें तो 35 साल है इसमें, ग्रेजुएशन के साथ बीएड और सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए या एसटेट क्वालिफाई होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका उस सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश हिंदी से भर रहे हैं तो इंग्लिश हिंदी आपका कम से कम 3 साल पढ़े हो, मैथ आप 3 साल पढ़े हो, सोशल साइंस से पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से आपने कोई सब्जेक्ट 3 साल तक पढ़ा हो। लाइब्रेरियन के लिए क्या चाहिए, आपका डिग्री लाइब्रेरी में हो या आप ग्रेजुएशन किए हो और उसके साथ 1 साल का लाइब्रेरी में डिप्लोमा किए हो लाइब्रेरी साइंस में, तब आप एलिजिबल होंगे, इसके लिए एज 35 साल है मैक्सिमम। वार्डन के लिए, जो हॉस्टल का वार्डन बनेगा, रेसिडेंटियल है ना, हॉस्टल वार्डन के लिए एज 35 साल है मैक्सिमम, इसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन मांगा है और इसका पूरा 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। अकाउंटेंट जो है इसका 50% आपका प्रमोशन से भरा जाएगा और 15% आपका रिक्रूटमेंट होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है। इसके लिए आपका बीकॉम डिग्री चाहिए और कोई नहीं, अकाउंटेंट के लिए बीकॉम चाहिए, 30 साल इसकी मैक्सिमम एज है। अच्छा, अब बात करें चौकीदार के लिए, तो चौकीदार के लिए 10वीं पास चाहिए, मैक्सिमम एज 30 साल है। ड्राइवर के लिए 45 साल तक मांगा है एज आपका, 10वीं पास चाहिए और 3 साल का आपका मोटर ड्राइविंग में एक्सपीरियंस चाहिए लाइसेंस के साथ, ठीक है। उसके बाद से गार्डनर के बारे में बात करें तो ये 35 साल है, 10वीं पास चाहिए इसके लिए। और लैब अटेंडेंट की बात करें तो ये 30 साल इसकी एज है, 12 साइंस से होना चाहिए, 12th अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तब आप भर सकते हो, या 10th के बाद आपने कोई डिप्लोमा किया है लैब उसमें तब आप भर सकते हो। तीसरा है जो मेन है आपका जेएससी, ये जेएससी आपका जो है 30 साल मैक्सिमम एज है, इसमें आप 12 पास हो किसी भी स्ट्रीम से हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्किल टेस्ट में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, चाहे हिंदी की आए चाहे इंग्लिश की आए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और मेस हेल्पर है, बाकी आपके जो पोस्ट हैं और भी जो वो आपके काम के नहीं थे इसलिए मैंने नहीं बताया, एसएससी जो है वो प्रमोशन से भरा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा।
मेस हेल्पर के लिए दसवीं पास चाहिए, यह ध्यान रखिए। मेस हेल्पर के लिए आप दसवीं पास हैं और मैक्सिमम एज 30 साल आपका होगा तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और मैंने जैसा बताया कि अभी हो सकता है कि ये पुराना जो रिक्रूटमेंट रूल था उसके अकॉर्डिंग वही बंदा भर सकता था फॉर्म जो जिस स्टेट से बिलोंग करता है, दूसरे स्टेट में फॉर्म आप नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब नए रिक्रूटमेंट रूल में ऐसा भी कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ पोस्ट के बारे में डिटेल दी गई है, बाकी नोटिफिकेशन का ब्राउजर जब आएगा तब क्लियर होगा। ऑलमोस्ट हो सकता है कि पिछली बार जो आपका क्वालिफिकेशन है वो पिछली बार की तरह है जो नोटिफिकेशन में लिखा था, तो ऑलमोस्ट हो सकता है रूल भी उसी की तरह हो, पुराना रूल ही हो, ठीक है। तो चांसेस यही है कि स्टेट वाइज ही हो आपका, चांसेस मैक्सिमम यही है कि ये वैकेंसी आपका स्टेट वाइज हो। स्टेट वाइज मतलब आपका डोमिसाइल लगे, आप जिस स्टेट के होंगे वहीं से अप्लाई कर सकते हैं। जिस स्टेट में एकलव्य विद्यालय नहीं है फिर वहां आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो और भी आपके जो प्रश्न होंगे एकलव्य विद्यालय से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट में, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। और जो बच्चे इच्छुक हैं आप पीजीटी पीजीटी के लिए पार्ट फर्स्ट, जो पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ है आपका, कौन सा पार्ट, पार्ट फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आपका सब्जेक्ट छोड़ के ये चलाया जा रहा है, इसकी कॉस्ट 499 प्लस जीएसटी है। आप परीक्षा प्लस ऐप से इसको इनरोल कर सकते हैं। कोई समस्या आपको हो, कोई प्रॉब्लम आपको पूछनी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।